हेलो गाइस, मैं हूं आप सबकी पवित्रा और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पवित्रा लाइफस्टाइल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं आलू खीरे और प्याज का अचार। ये एक नेपाली डिश है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 4 उबले हुए आलू लिए मैंने और ये सफ़ेद मटर है, मटर इसे मटर ही कहते हैं, इसे मैंने एक दिन पहले भिगो दिया था। सफ़ेद तिल और लाल मिर्च, एक खीरा लिया है मैंने, 2 प्याज लिए हैं और थोड़ा सा धनिया लिया है और 4-5 मैंने हरी मिर्च लिए, 2 नींबू लिए हैं, हल्दी, मेथी और नमक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस खीरे को ऐसे और इसको लंबे लंबे काटूंगी। इसको भी इसी तरह काटेंगे। क्या करूँगी मैं, इस बाउल को इसके अंदर रखूँगी सारे कटे हुए खीरे। थोड़ा सा नमक रख के इसको एक साइड रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस खीरे को मैं भूनूंगी। मैंने गैस ऑन कर दिया है, थोड़ा गर्म होने देंगे इसे। ये देखिए मैं कितना डाल रही थी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच और 5 चम्मच और ये मिर्ची। चटकने देंगे तब तक हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए कैसे चटक रहे हैं। गैस मीडियम में ही करें, नहीं तो जल जाएंगे जल्दी। ये भून जाए तो देखिए इसका टेक्सचर कैसा। अगर आप ऐसे करेंगे यहाँ से अपने आप ही टूट जाएगा, तो समझ लो ये अच्छे से पक गया है। जलाना नहीं है इसे, बस अब इस गैस ऑफ कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे इसे। ये ठंडा हो गया है हल्का सा, अब मैं इसे 2 सेकंड के लिए से पीसना है, ग्राइंड करती हूँ मैं इसे। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ना ज्यादा बड़े रखिए ना छोटे रखिए, ऐसे हम काट लेंगे। और इस प्याज को भी मैं ऐसे लंबे लंबे काट लूंगी।
इसे काट लिया मैंने, और ये जो मैंने खीरे में नमक लगाया हुआ था ये इसने पानी छोड़ दिया है, तो मैं इसको हल्का प्रेस करके इसमें डालूंगी इसको भी। फिर से मैंने पैन चढ़ा दिया है और मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा सरसों का तेल, मतलब इसमें सरसों का तेल ही चाहिए, और तेल से नहीं कर सकते, अच्छा नहीं बनेगा। जो सरसों का तेल में तेल का जो टेस्ट आता है ना वही अच्छा रहता है। इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे, और तब तक मैं हरी मिर्च को लंबे लंबे स्लाइस में काट लेती हूँ। देखिए हरी मिर्च को सिर्फ चीरा लगाना है ऐसे करके, सारी मिर्च में चीरा लगा रहे हैं। तो किसी को स्पाइसी पसंद नहीं है, मिर्च पसंद नहीं है, तो वो हरी मिर्च निकाल सकता है, लेकिन ये स्पाइसी और खट्टी ही अच्छी लगती है। हो गया तेल भी गर्म हो गया है, देखिए तेल गरम हो गया है। मैं मेथी को अच्छे से भूनूंगी, निकाले हो गए। अब मैं इसको हरी मिर्ची डाल दूँगी इसमें, और ये जो मैंने चने लिए थे इसको मैं इसमें हल्का सा भूनूंगी, गैस कम कर देंगे। गैस ऑफ कर दी है, और मैं इसमें हल्दी डालूंगी। अगर ऐसे ही हल्दी उसमें डाल देंगे तो फिर ये स्मेल आएगी हल्दी की, तो थोड़ी देर तक मैंने गैस ऑफ कर दिया, बस इसको ऐसे नहीं दे। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे उस मिक्सर में, लेमन आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको खट्टा खाना है तो थोड़ा ज़्यादा ले लो, मैंने डेढ़ चम्मच ले लिया। क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया भी इसमें बारीक बारीक काट लूँगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, मेरा बर्तन शायद थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे।
मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और आप देखिए अचार को बनाना बहुत ही आसान है और आप इस अचार को किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।